देखिए, अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो डेफिनेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल अगर बोलें तो जितने सर्टेन डिजिट हैं प्लस वन एटलीस्ट वन डाउटफुल डिजिट, तो वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब जितने भी डिजिट हैं वो और लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू जो है वो अनसर्टेन है, मतलब वो फिक्स नहीं है, मतलब वो डाउट में है, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अभी करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। नन ऑफ द मेजरमेंट कैन बी डन विद 100% एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है, कोई भी मेजरमेंट है आप 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते। देखिए रूल्स पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं 4.345, कोई भी ज़ीरो नहीं है तो जो नंबर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4.345, कितने डिजिट हैं? चार। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। ऑल ज़ीरोज इन बिटवीन नॉन ज़ीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो जो ज़ीरोज हैं वो अगर नॉन ज़ीरो के बीच में, तो वो भी काउंट होती हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2.002। अब टू, पहला टू और आखिरी टू नॉन ज़ीरो है, बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो भी आप काउंट कर लेना, तो कितना हो गया? चार हो गया। ऑल नॉन ज़ीरो, ऑल ज़ीरोज बिफोर नॉन ज़ीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखो कोई नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर है, उसके पीछे वाले जितने भी जीरो हैं वो नॉन सिग, उसको हम काउंटिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 0.004, तो देखिए 4 के पहले ज़ीरो जितनी भी आ रही हैं वो काउंट नहीं होंगी, ठीक है, दे रिमेन अनकाउंटेड। तो कितना हो जाएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? 1। ओके, फोर्थ रूल, ऑल ज़ीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरोज आर सिग्निफिकेंट। देखिए अगर ज़ीरोज पहले आती हैं तो काउंट नहीं करते हैं, अगर ज़ीरोज जो हैं नॉन ज़ीरोज के बाद आ रही है, जैसे 2.3 एग्जांपल दिया हुआ है 2.300। अब ये नॉन ज़ीरो के बाद जो ज़ीरो आ रही है इनको काउंट करना पड़ेगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। फिफ्थ रूल, द पावर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, 2.3 × 10^4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ये जो पावर में है इसको छोड़ देंगे, तो जो डिजिट में 2.3 है तो ये इसमें कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर है 2। ओके, तो क्वेश्चन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी आ जाता है, तो समझिए इस चीज़ को। जैसे देखिए यहाँ पे 2.3, 4.65, 3.267, इसको आपको ऐड करना है, तो आप ऐड कर लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, करके देखना 31.117। लेकिन अब आपको आंसर देना है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। आप देख रहे हैं इन तीनों जो जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनका सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, 23.2 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। 4.65 3, और अगला जो 3.267 है 4 है। तो जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर उसी के अकॉर्डिंग देंगे। तो जैसे मेरा यहाँ पे आंसर क्या है? 31.117, तो हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो इसमें से क्या बन जाएगा? 31.1, क्योंकि मुझे आंसर देना होगा लोवेस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर जब हम एडिशन कर रहे थे उसमें जो नंबर थे जिनका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया। जैसे देखिए एक और एग्जांपल है 46.04, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अगला 2.364, 4, अगला 3.7721, इसमें 5 है तो इसको छोड़ देंगे, तो जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है जो हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। जैसे आंसर आया 52.1761, तो मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना, तो कितना हो जाएगा? 52.17। ऐसे ही देखिए मल्टीप्लीकेशन में, तो 42.6 × 2.4 कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर वाले 42.6 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 2.4 में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आंसर हमें लोअर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आपको आता है? छोटे बच्चे हो तो नहीं हो आप, ठीक है, तो 102.24 आ गया, तो हमें आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। ऐसे दूसरा एग्जांपल 3.61 × 1.2 में सिग्निफिकेंट फिगर 2, 3.61 में 3, तो आंसर जो होगा तो वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना पड़ेगा, जो कैलकुलेट करके आया 4.332 आया, लेकिन आंसर देना है हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4.3।